से बाहर हो गया है, क्या खेल रहे हैं ये? रिजवान साहब ने भी विकेट दे दी है, देखे जरा ये क्या है यार। वेलकम बैक टू एन अदर डे, गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। लेकिन अभी गुड मॉर्निंग बनती नहीं है क्योंकि अभी गुड आफ्टरनून हो गया है, मैच स्टार्ट होने वाला है, ढाई बज चुके हैं। लेकिन कुछ कह नहीं सकते, वहां पे अभी तक न्यूज यही आ रही है कि बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, हो रही है। लेकिन कंफर्म कोई पता नहीं है कि मैच होता है या ड्रा हो जाता है या द क्लूज फार्मूला लग के एक कुछ भी कह सकते हैं यार। अगर मैच नहीं हुआ तो एक एक पॉइंट जो है पाकिस्तान और इंडिया को मिल जाएगा। लेकिन हमारी पूरी कोशिश थी सब की, जो जो क्रिकेट शायकीन है वो ये कहते हैं कि मैच हो, लेकिन बारिश जारी है, ना हो, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। मैच देखे कब स्टार्ट होता है कुछ कह नहीं सकते क्योंकि टाइम ओवर हो रहा है। लेकिन जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था, अहमद जो लेके आया था मछलियाँ, हमने उसका नाम रखा था चिंटू मिंटू, लेकिन उनमें से ना एक जो है वो मर गई थी। कौन सी मरी थी वो अहमद ही बताएगा। अहमद कौन सी वाली मछली मर गई थी? चिंटू मर गई। मिंटू जिंदा किधर है? ये देखे गाइस, अभी मिंटू जो है ना वो जिंदा है, ये फिर रही है। तो अभी इसका ना हम पानी चेंज करना है। अहमद कहता है कि भाई इसका पानी चेंज कर दे, दो दिन हो गए पानी भी नहीं चेंज किया इसका, और जो है ना इसका दाना भी नहीं डाला। और ये पता नहीं क्या ले, क्या लेके आया, किधर से लेके आया? बूढ़े की दुकान से। बूढ़े की दुकान से लेके आया, अकेला चला गया था? मुझे नहीं समझ, मैंने कहा था। अच्छा चलो गाइस, हम ना पहले इसका पानी चेंज करें। ठीक, हम चिंटू का पानी चेंज करने लगे। ये देखें गाइस, हम ना इसका पानी चेंज करने लगे। इसको पकड़ना जो है ना बहुत मुश्किल है, ये ना ऐसे 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 जो है ना अंदर ऐसे ऐसे फिर रही है। ओए ओए, पकड़ी हूँ, पकड़ी नहीं जाती। किधर गई? ये भी गाइस बहुत तेज है, किधर गई? पकड़ी जी गाइस, मैंने जो है ना उसका चिंटू का पानी जो है ना वो चेंज कर दिया। ठीक है, मैं आपको बहुत मुश्किल से जो है ना पानी चेंज करना पड़ता है, आपको पता है। इधर इधर ये देखें जरा, ये रहे आराम से बैठे भी। इसको ना दाना डालते हैं हम करके, आराम से इसको ढक देते हैं। अभी इसको दाना डाल दिया, अब ये खाएगी। किधर डाला दिखाओ, क्या डाला आपने? अहमद ने ना जो इसको ना खशकाश डाली है। रोटी नहीं डालता इसको? डालता। रोटी भी डालता है। गाइस बहुत अच्छी इनिंग खेली यार कोहली ने और केएल राहुल ने। ये चीज ये दे चेक करें, कोहली का भी जो है वो 100 हो गया और केएल राहुल का भी 100। वेल प्लेड यार, वेल प्लेड इंडिया, वेल प्लेड। गाइस मैच का एक फर्स्ट इनिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की है और कोहली ने, केएल राहुल ने सेंचुरी मुकम्मल की और पाकिस्तान को 356 का टारगेट दिया। पाकिस्तान ने करना है 357 स्कोर 50 ओवर में। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं आगे। बस आप लोग अब दुआएं करें, मैं भी दुआएं करता हूँ, सब दुआएं करें अब कि पाकिस्तान अच्छी बैटिंग। 15 minutes later. पाकिस्तान की इनिंग स्टार्ट हो गई है। बुमराह साहब पहली बॉल डालने लगे हैं और खेलने आए फखर जमान और इमामुल हक। ये चीज, ये पहली बॉल फखर जमान खेलते हुए, ये बुमराह बॉल कराने लगे हैं। ये पहली बॉल, वेल बॉल है। गाइस तमाम हो गया काम, 17 पे एक आउट, इन्होंने चेस करना है 300 प्लस। एक विकेट गिर गई मामूल हक की, चेक करें बड़े प्यार से कैच दिया। ये चीज, ये चलो जी कहानी खत्म हो गई मामूल हक की यहाँ पे। अगर पाकिस्तान को सिर्फ अब एक ही चीज बचा सकती है गाइस, वो है बारिश। अगर बारिश हो जाती है तो पाकिस्तान बच जाएगा, नहीं तो इतना टारगेट नहीं होना पाकिस्तान से। जैसा कि तुम्हें पता था कि बारिश स्टार्ट हो गई थी, बारिश ख़त्म हुई है अब दोबारा। ठीक है, कुछ देर बाद, कोई 15-20 या आधे घंटे बाद मैच दोबारा स्टार्ट हुआ। आपके भाई ने शर्ट चेंज कर लिया कि शायद पाकिस्तान कोई परफॉर्मेंस करे आज, लाजमी। रिजवान और फ़खर अभी रईस में मौजूद है, ये फ़खर खेलते हुए, और ये कोई नया बॉलर इन्होंने डाला, वो बॉल करा रहा है। आई होप
कि पाकिस्तान परफॉर्मेंस करे यार, लाजमी करना चाहिए पाकिस्तान को परफॉर्मेंस। यार यार समझ से बाहर हो गया है, क्या खेल रहे हैं ये। रिजवान साहब ने भी विकेट दे दी है, देखे जरा ये क्या है यार, सिंपल सी बॉल है ये चेक करें यार, क्या इन्होंने करना है यार। 300 इतना हैवी टारगेट और ये क्रीज पे खड़े होकर खेले नहीं जा रहा है इनसे यार, गुस्से वाली आ रहा है। मम्मी जी से कोई दुआ शुआ करवाएं, ठीक है, कोई पाकिस्तान को अच्छी परफॉर्मेंस करें, लेट्स गो कर चलते हैं अम्मी जी की तरफ। वो क्या कहती हैं, समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। तीन आउट हो चुके हैं, तीन आउट हो रहे हैं, डर मार रहे हैं, इतना अच्छा उन्होंने वो स्कोर और बैटिंग की है, और हमारे वाले भी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बस दुआ करो, दुआ दुआ के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। गाइस दुआ करें बस, दुआ ठीक है ना, ताकि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं यार। अभी भी बैट ही खेल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, खेलो यार, मैच जीतना लाजमी। ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। फखर जमान की भी विकेट गिर गई, चार आउट हो गए, 77 स्कोर। अब सिर्फ दुआएं नहीं, अब बारिश की जरूरत है, बारिश हो अब किसी भी तरह का। यार तुम लोगों ने देखा जैसे मैच पाकिस्तान ने बहुत गंदा खेला, कोई बैटिंग नहीं चली, बस क्या कर सकते हैं यार। अगर हमारी टीम में स्पोर्ट तो लाजमी करना पड़ेगा, मैंने तो टी शर्ट भी पहन ली थी कि जी पाकिस्तान मैच जीतेगा, अच्छी बैटिंग करेंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। आई होप नेक्स्ट मैचेस में पाकिस्तान कोई अच्छी परफॉर्मेंस करे, लगता नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पे दिल पूरा जो है ना, अफसोस हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। बाकी यार यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करने लगा हूँ। आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। With the